अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स, बनाए अपने सपनों का आशियाना। इंजीनियर प्रतीक चौरसिया के साथ, पता है, संजय ड्राइव रोड, पंडापुरा, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सोमवार 20 जुलाई को 21 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। पिछले 3 दिनों में जिले से कोरोना के 60 केस सामने आ चुके हैं। जिले में कोरोना मामलों की संख्या अब 555 हो गई है। बीएमसी में इलाज करा रहे 8 कोरोना पॉजिटिव लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए गए हैं। स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या अब 408 हो गई है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि एक की जिला अस्पताल की ट्रूनेट मशीन से पॉजिटिव, वहीं 3 लोगों की रिपोर्ट भोपाल की चिरायू अस्पताल से पॉजिटिव आई है। इसके अलावा इंदौर की प्राइवेट लैब से 13 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। इसके अलावा 3 रिपोर्ट और भी पॉजिटिव हैं। बीएमसी के वायरोलॉजी लैब के प्रभारी डॉक्टर सुमित रावत के मुताबिक 71 साल के पुरुष चक्राघाट, 42 साल के पुरुष गुरु गोविंद सिंह वार्ड, 28 साल का युवक राजनगर, 70 साल का बुजुर्ग बालक कॉम्प्लेक्स, 33 साल का पुरुष बालक कॉम्प्लेक्स, 7 साल की बच्ची बालक कॉम्प्लेक्स, 28 साल की महिला राजनगर, 48 साल की महिला राजनगर, 29 साल का पुरुष शास्त्री वार्ड, 28 साल की महिला राजनगर, 58 साल की महिला तिली वार्ड, 32 साल का पुरुष इतवारी टोरी, 47 साल का पुरुष खिमलासा, 50 साल का पुरुष कोरई, 42 साल का पुरुष गौरनगर, 22 साल का युवक मकरोनिया, 33 साल की महिला गौरनगर, 21 साल का युवक भीमबाड़ वीना, 71 साल का पुरुष चक्राघाट और 42 साल की पुरुष सदर बाजार से कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। आज दिनांक 20/7/2020 को बीएमसी की वायरोलॉजी लैब एवं अन्य लैबों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से बीएमसी से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और एक व्यक्ति की रिपोर्ट जो है जिला अस्पताल में ट्रूनाट से पॉजिटिव पाई गई है। 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट चिरायू अस्पताल से पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 13 अन्य व्यक्तियों की रिपोर्ट जो है ये प्राइवेट लैब से इंदौर से पॉजिटिव आई है। तो इसमें पहले जो हैं बीएमसी से आए हैं 71 वर्षीय पुरुष चक्राघाट के रहने वाले हैं, दूसरे 42 वर्षीय पुरुष गुरु गोविंद सिंह वार्ड से, 28 वर्षीय पुरुष राजनगर से, 28 वर्षीय महिला राजनगर से, 48 वर्षीय महिला ये राजनगर से, ये एक ही परिवार के हैं। इसके अलावा 28 वर्षीय महिला जो है बालक कॉम्प्लेक्स से, 7 वर्षीय बच्ची बालक कॉम्प्लेक्स से, 70 वर्षीय पुरुष ये भी बालक कॉम्प्लेक्स से। इसके अलावा 29 वर्षीय पुरुष सनीचरी वार्ड से, 58 वर्षीय महिला तिली वार्ड से, 32 वर्षीय पुरुष इतवारी से, 50 वर्षीय पुरुष कपूरिया से, ग्राम कपूरिया, 42 वर्षीय पुरुष गौरनगर से और 33 वर्षीय महिला, एक ही परिवार के हैं दोनों ये, गौरनगर से, 52 वर्षीय पुरुष मकरोनिया से, इसके अलावा 47 वर्षीय पुरुष खिमलासा से, ग्राम खिमलासा बीना में, और 21 वर्षीय पुरुष भीम वार्ड बीना से, ये इतने लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 6 व्यक्ति जिनका इलाज चल रहा था कोरोना का, ये स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, ये लोग अपने घर चले गए हैं। और इसके अलावा एक व्यक्ति जिनकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई थी, ये भर्ती नहीं हो पाए थे, ये इनका कहीं और इलाज चल रहा था CCC में, तो वहाँ से यहाँ जब BMC इनको लाया गया तो मृत अवस्था में आए थे। तो आज की ये एक दुखद खबर है। इसके अलावा मैं फिर एक बार सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी लोगों से कि क्योंकि अभी अनलॉक चालू है, अभी गतिविधियाँ सब लोगों की बढ़ गई हैं, तो सावधानियाँ खास तौर से पालन किया जाए उनका, और केवल जब जरूरी हो तभी घर से निकला जाए। नमस्कार। अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स, बनाए अपने सपनों का आशियाना। इंजीनियर प्रतीक चौरसिया के साथ वास्तु अनुसार प्लानिंग, वर्क फ्रंट एलिवेशन एवं 3D डिजाइनिंग, नगर निगम से नक्शे पास, आधुनिक भवन, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, मैरिज गार्डन के निर्माण एवं डिजाइनिंग, कॉलोनी लेआउट, इस्टीमेट के लिए आज ही संपर्क करें। पता है संजय ड्राइव रोड, पंडापुरा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8269 5882 87।